अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर है एआई बेस्ड टूल पे जिसका नाम है परप्लेक्सिटी, जो कि चैट जीपीटी से भी बेटर टूल है एकेडमिक रिसर्च की राइटअप में। चाहे आप राइटअप करना चाह रहे हैं किसी थीसिस का, चाहे आप राइटअप करना चाह रहे हैं किसी भी आर्टिकल का, या ऑलरेडी पब्लिश आर्टिकल की आपको समरी चाहिए होगी, तो इससे बेटर टूल और नहीं है कोई भी। और फर्दर मोर, अगर आपने इन टेक्स्ट साइटेशन ऐड करनी है तो आपको मेंडेलियो एंड नोट का काम भी ये प्रोवाइड करेगा। और इससे बढ़कर अगर आपने किसी भी रिसर्च से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर YouTube का लेक्चर देखना है तो ये आपको उसके तमाम लिंक प्रोवाइड करेगा। आइए देखते हैं कि परप्लेक्सिटी जो चैट जीपीटी से ज्यादा बेहतर कैसे है। माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है परप्लेक्सिटी पे, जो कि AI एम्बेडेड एक सर्च टूल है। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी आ रही है सर्च करने में चैट जीपीटी से, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप आए परप्लेक्सिटी पे, जो कि आपके जितने भी क्वेश्चन उसके आंसर जो है आपको टू द पॉइंट और एक्यूरेट विद साइटेशन देगा। और मैं इसका लिंक जो है आपको इस लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। और अगर हम इसकी राइटिंग बार की बात करते हैं, बड़ी सिंपल इसकी राइटिंग बार है। यहाँ पे देखिए फोकस है और यहाँ पे अटैच है, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। फिर आगे प्रो वर्जन इसका अवेलेबल है। अगर आप इसको प्रो पे लेके जाएं तो ये आपको बताएगा कि आपके पास कितने सर्चेज आज के लिए अवेलेबल है, यानी कि फ्री जो है आप 4 to 5 सर्चेज इसमें, यानी कि क्वेश्चन अपने जो है यहाँ पूछ सकते हैं विदाउट गिविंग एनी पेनिंग। नेक्स्ट अगर देखें तो ये सर्च बार है इसकी। अब सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन इसको रेस करने से पहले हम देखते हैं इसकी फोकस में क्या कुछ है। तो ये वो मेन चीजें हैं जो कि ये सर्च करके आपको देगा। ऑल मीन टू से दैट, अगर आपको ऑल सेलेक्ट करेंगे तो आप कोई भी सर्च यहां से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉम्प्टिंग को प्रिसाइज करना चाह रहे हैं तो आपको एकेडमिक राइटिंग या वोल्फ्राम अल्फा यूट्यूब या रीड आईटी यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि एकेडमिक्स क्या है। एकेडमिक्स से मुराद यह है कि अगर आप किसी भी रिसर्च आर्टिकल से रिलेटेड कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं, किसी भी पब्लिश जो रिसर्च बुक है उससे रिलेटेड कुछ आप सर्च करना चाह रहे हैं, तो एकेडमिक को सिलेक्ट करेंगे। राइटिंग जस्ट लाइक एज अ चैट जीपीटी, जनरल राइटिंग होगी। यहां से आप जस्ट इसको सिलेक्ट कर कुछ भी राइट करने के लिए दें जैसे चैट जीपीटी करता है, आपको करके देगा विद साइटेशन और एक्यूरेट साइटेशन होंगी। वोल्फ्राम अल्फा जैसे वेरी फेमस है, ये डिफरेंट किस्म की कंप्यूटेशन ट्यूल में या बायोफॉर्मेटिक्स के जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं उनके लिए है। अगर आप बायोफॉर्मेटिक्स रिलेटेड कुछ भी सर्च करना चाह रहे हैं, लाइक मॉलिक्यूलर डॉकिंग पे है, सिमुलेशंस पे है, तो आप इसको ऑप्ट करें, हम आपको ऑप्ट करके बताएंगे भी। फर्दर मोर, अगर आप यूट्यूब से कुछ सर्च करना चाह रहे हैं और प्रिसाइज सर्च करना चाह रहे हैं और साथ आपको उस लेक्चर का लिंक भी चाहिए, तो आपको यूट्यूब से सर्च करके भी ये देगा। आइए सबसे पहले इसको हम एकेडमिक्स पे लेके जाते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको एकेडमिक सेलेक्ट करेंगे, अब यहां पे हमको इसको क्यूरी देते हैं 5 paragraph ऑफ इंट्रो ऑन रिव्यू आर्टिकल्स ऑन डिग्रेडेशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक बाय नैनो पार्टिकल्स। जस्ट इसको सर्च करता हूं, जैसे मैं सर्च करूंगा तो ये मुझे बताएगा कि माइक्रोप्लास्टिक जो है, जो नैनो पार्टिकल्स साइज होते हैं, उनसे लिटरेचर मुझे कहां कहां से मिल सकता है। तो ये देखिए इसने कुछ रिव्यू आर्टिकल्स को यूज करते हैं, वहां से लिटरेचर मुझे जो 5 paragraph इस तरीके से दे दिए हैं। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, ये जो इसने पैराग्राफ मुझे दिए हैं ये पता नहीं ऑथेंटिक है या नहीं ऑथेंटिक है, यानी कि गूगल से उठा दिए हैं या कहीं नॉर्मल लिटरेचर से उठा दिए हैं या आर्टिकल से उठाए हैं, तो ये एक जो है एज है इसका, जो कि चैट जीपीटी देता है लेकिन करेक्ट नहीं देता। हम इसके फॉलोअप में आ जाएंगे और यहाँ पे क्वेश्चन रेज करेंगे कि एट इंटेक्स रेफरेंसेज ऑफ रिसेंट आर्टिकल एंड द रेफरेंसेज इन ऑल ऑफ द अबव 5 paragraphs। जैसे इसको सर्च करेंगे तो ये हमें उसका आंसर देना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर, ये आपको आंसर दे रहा है इस फॉर्म में कि जहां जहां से इसने जो है ये ऊपर वाला टेक्स्ट उठाया है वहां वहां उसके सारे के सारे रेफरेंस आपको ये देना शुरू कर देगा, ठीक है। जहां जहां से इसने रिव्यू लिटरेचर आपको करके दिया है। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहते हैं कि मुझे जो है कैसे पता चलेगा कि ये वाकई जो है ये साइटेशन करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, आप जस्ट क्लिक करें इसके ऊपर, ये सेकंड वाली जो है यहाँ पे 2 RIN text साइटेशन, जैसे उसके ऊपर क्लिक करें तो ये आपको आज देखिए लिखा हुआ है कैटालिटिक एंड बायो कैटालिटिक डिग्रेडेशन ऑफ माइक्रोप्लास्टिक, यानी कि आपको एक्जैक्ट वही आर्टिकल मिलेगा जहां से उसने उसकी साइटेशन दी हुई है, ठीक है। आप कहते हैं कि नहीं, माइट भी कि ये उसका तुक्का लग गया हो। हम नेक्स्ट देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये 5th number पे एक साइटेशन दी, इसको जो क्लिक करते हैं, जैसे इंटेक्स साइटेशन क्लिक करेंगे तो ये उसका आर्टिकल यहां पे आपको खोल के दे देगा, ठीक है, पबमेड के ऊपर। ये रिसेंट प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजीज एंड ह्यूमन हेल्थ रिस्क असेसमेंट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। तो मीन टू से दैट कि अगर आपने कोई भी सर्च की हुई ऊपर और सर्च से रिलेटेड जो आप इंटेक्स साइटेशन ऐड करना चाह रहे हैं या उनके रेफरेंसेस को देखना चाह रहे हैं या उसको एंड नोट की फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, तो ये सारे के सारे काम आपको करके देगा। होम पे आते हैं और होम पे हम एकेडमिक्स के ऊपर आते हुए एक इसका और ऑप्शन आपसे शेयर करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी रिसर्च आर्टिकल जो पब्लिश हुआ हुआ है या आपके पास रिव्यू लिटरेचर में आ रहा है और आप उसको पढ़ना नहीं चाह रहे, मोस्ट स्टूडेंट ये करते हैं कि उनको बड़ी डिफिकल्टी होती है आर्टिकल को समझने के लिए, इतना बड़ा आर्टिकल है और आपके पास अगर टाइम बहुत कम है, तो आपको जो है परप्लेक्सिटी इस पे जो है हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। वह कैसे कि आपने जो है जस्ट यहां पे एकेडमिक्स को सिलेक्ट करते हुए अटैच में और प्रो के ऑप्शन को आपने जो है सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि आपके सर्चेस जो है वो एक दिन की अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप अटैच पे क्लिक करें और अटैच के बाद आप जो है इस आर्टिकल को यहां पे ये डाउनलोड में पड़ा है उसको मैंने ओपन कर लिया। जैसे इसके ऊपर मैंने यहाँ पे इसको ओपन, ये ओपन हो जाएगा या अपलोड हो जाएगा इसके ऊपर, तो यहाँ पे हम इसका क्वेश्चन रेस करेंगे एज दिस फाइल। मैं सिंपल कहता हूँ कि मुझे समराइज करके दे इसको, ठीक है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन इसके लिए रेस किया तो ये उसने यहाँ पे उसका आंसर देना शुरू कर दिया, ठीक है। आप देखिए जस्ट इन 1 paragraph या इन फ्यू वर्ड्स
ठीक है, ये आपको बता देगा कि इस आर्टिकल के अंदर क्या कुछ है और इस आर्टिकल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, और ये किस प्रोटीन के ऊपर बना हुआ है और ये प्रोटीन लिवर की है और उसके बाद जो है उसके ऊपर कौन कौन सी वर्किंग हुई हुई है, फिर उसकी कौन कौन सी प्रोटीन को टारगेट किया गया है और फिर फर्दर मोर जो है इस स्टडी के ऊपर जो है वो क्या क्या जो है टूल्स लगे हुए हैं। तो कहने का मकसद यह है कि आपको एक शार्ट समरी बनाकर दे देगा किसी भी आर्टिकल की रिव्यू लिटरेचर लिखने के लिए, तो ये सबसे अच्छा एक इसका जो है एक ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, दोबारा हम होम पे आते हैं। अब मैं एकेडमिक सब्जा यहां पे सेलेक्ट करता हूं राइटिंग। जब हम राइटिंग ऊपर आते हो यहां पे लिख रहा हूं राइट अ 10 पेज ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर ऑन बायोडिग्रेडेशन। इसको सर्च करते हैं हम, जैसे तो हम सर्च करेंगे देखते हैं कि हमें क्या एक्यूरेट जो है बायोडिग्रेडेशन के ऊपर जो है रिव्यू लिटरेचर देता ही नहीं देता है। तो ये देखें जितना भी उसके पास जो है वो डाटा अवेलेबल होगा ये सारे का सारा आपको पास वो प्रोवाइड करेगा इस तरीके से। ये देखें ये सारा का सारा उसने डाटा इसका प्रोवाइड कर दिया। तो राइटिंग में रहते हुए ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप किसी चीज को सर्च करना चाहे जस्ट लाइक एज ए चैट जीपीटी ये मोस्ट एक्यूरेट आपको देगा। और फर्दर मोर उसी तरीके से अगर आप इसकी जो है वो इंडेक्स साइटेशन चाह रहे हैं रेफरेंसेस चाह रहे हैं तो वो आपको प्रोवाइड करेगा जैसे हमने लास्ट टाइम किया था एकेडमिक्स के लिए, और एक्यूरेट रेफरेंसेस वही होंगे। जब दोबारा हम होम पे आते हैं और अब हम नेक्स्ट ऑप्शन को क्लिक करते हैं वो हमारे पास है वॉल्फ्राम अल्फा, यानी कि कंप्यूटेशन रिलेटेड जो भी नॉलेज है आपको इसको सर्च करके देगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बायोफॉर्मेट्स रिलेटेड इसको कुछ लिखता हूँ तो मैंने आरडी क्यूरीज के लिए रखी है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर डॉकिंग इन सिलिको, यानी मुझे बताया कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो इन सिलिको लेवल पे क्या होती है। जस्ट क्लिक ऑन सर्च, जैसे आप सर्च करेंगे तो ये आपको जो है समराइज फॉर्म में दे देगा कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग क्या है और ये किस तरीके से प्रोटीन और लिगेंड के दरमियान काम करती है, ठीक है। और फर्दर मोर देखिए आपको उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने खुद पूछने होते हैं आप खुद दे रहा व्हाट इज द पर्पज ऑफ मॉलिक्यूलर डॉकिंग इन ड्रग्स करो, जिसको क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करते जाएंगे तो ये आपकी जो स्टोरी को आगे जो है उसको लिंगर ऑन करता जाएगा और आपको बताता रहेगा कि ड्रग डिस्कवरी में इसका क्या रोल हो सकता है, ठीक है। तो ड्रग डिस्कवरी में से लिगेंड और प्रोटीन के बारे में डिटेल देना शुरू कर दी है। और इसी तरीके से जो है अगर आप पोटेंशियल ड्रग टारगेट डॉकिंग से फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको उसके बारे में बताएगा कि इस तरीके से जो है आप लिगेंड ले सकते हैं और किस तरीके से आप इसको प्रोटीन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जितना भी लिटरेचर से हमारे पास डाटा आएगा फ्रॉम बायोफॉर्मेटिक्स ये आपको वहां से उसको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। आइए अब दोबारा हम होम पेज पे जाते हैं और हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है YouTube। अब आपने YouTube को सेलेक्ट करते हो यहाँ पे हमें कोई भी क्यूरी देने की YouTube से हमें ये डाटा चाहिए। अब आपको मैम यहाँ पे लिखना बायोफॉर्मेटिक लेक्चर सीरीज बाय डॉक्टर नवीदी, मैं कह रहा हूँ कि मेरे जो लेक्चर सीरीज है बायोफॉर्मेटिक्स के ऊपर सिंपल मुझे सिर्फ उसकी सारी डिटेल दे, जैसे उसको मैं सर्च पे करूंगा तो ये मुझे इस तरीके से उसका आंसर देगा, ठीक है। तो ये देखिए बाय डॉक्टर नवीद मेरी जो भी सोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर सारे देखिए साइड पर इसके इमेजेस आ जाएंगे, आप इमेजेस से भी सर्च कर सकते हो, नीचे इसकी डिटेल भी आ जाएगी कि आपको जो है और व्यू चाहिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर जो कि मेरी एक सीरीज का नाम है, या बायोफॉर्मेट्स रिलेटेड चाहिए वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, या आपको स्पेसिफिक से लेक्चर का चाहिए जो बायोफॉर्मेट सबसे इंपॉर्टेंट है जैसे आप बॉस पे दिया उसने वो भी आपको इसका दे देगा। अब फर्दर मोर आप चाहते हैं सर ये तो हमें मिल गया लेकिन हमें कहां से मिलेंगे आपके लेक्चर्स, आप यहाँ पे आ जाए बायोफॉर्मेट्स प्लेलिस्ट पे या इस साइटेशन के ऊपर नंबर 4 पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपको लेके आ जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और वहां पे जितनी भी इसकी लिस्ट अवेलेबल है बायोफॉर्मेट्स की वो आपको ये प्रोवाइड करेगा जस्ट लाइक दैट। ये देखेंगे पूरी बायोफॉर्मेट्स की यहाँ पे लिस्ट अवेलेबल है, जो लेक्चर मैंने अभी 6 दिन पहले दिया था वो भी यहाँ पे अवेलेबल है और नीचे जितने भी लेक्चर्स के ऊपर अवेलेबल है, यानी कहने का मकसद है कि मेरे कंप्लीट जो हमारे पास 114 लेक्चर है बायोफॉर्मेटिक्स के उस सब की आपको लिस्ट इस तरीके से निकाल के आपको दे देगा। और यूं आप परप्लेक्सिटी को यूज कर सकते हैं आपने यूट्यूब की जो डिफरेंट किस्म के लेक्चर उसको भी सर्च करने के लिए। हम जस्ट क्लिक करते हैं डिस्कवर के ऊपर, डिस्कवर से मुराद यहाँ पे क्या है कि ये आपको रिसेंट जो भी अपडेट्स हुई हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जहां जहां पे AI यूज हो रही है जो आज यानी कि आज हुई है या 2 मिनट पहले होकर हुई है तो वो सारी साइज को डिटेल देगा, ठीक है। चाहे वो हमारे पास जो है वो स्पेस एक्स की बात हो यानी कि हमारे पास अगर बात हो एप्पल की बात हो जिसकी भी बात कुछ चीज ऐसी जो AI से रिलेटेड है उसकी डिस्कवरी के बारे में आपको बताएगा। और नेक्स्ट अगर हम लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे जो कुछ भी हमने आज इसके ऊपर सर्च किया या इससे पहले सर्च हुआ था सारी साइज उसकी डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कि आप अपनी सर्चेज को दोबारा भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट वे है किसी भी चीज को फाइंड आउट करने का परप्लेक्सिटी के जरिए जो कि चैट जीपीटी पे अवेलेबल नहीं है। अब मैं इस पॉइंट पर जरूर पहुंचाऊंगा, अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस कोई भी सर्च करनी है तो आपको आना पड़ेगा परप्लेक्सिटी के ऊपर जो कि आपको एकेडमिक रिसर्च से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो फाइंड आउट करके देगा। गुड लक योर स्टडी विद परप्लेक्सिटी।